पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद मंडल के शातिर बदमाश फहीम उर्फ एटीएम को अभिरक्षा से भागने के आरोप में थाना पागबड़ा पुलिस ने बिजनौर जनपद के दो सिपाहियों सहित कुल तीन लोगों को निलंबित कर दिया है। कल दोपहर मुरादाबाद पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया था जब बिजनौर जनपद से मुरादाबाद पेशी पर आया शातिर बदमाश फहीम उर्फ एटीएम अभिरक्षा में लगे दो सिपाहियों को एक कमरे में बंद करके फरार हो गया था, जिसकी सूचना के बाद से पूरे जनपद में चेकिंग की जाने लगी थी, लेकिन फरार बदमाश को पकड़ा नहीं जा सका। इस मामले में मुरादाबाद के थाना पागबड़ा में दिनेश और राहुल नाम के दोनों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें आज मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया। जी फहीम जो एटीएम है ये प्रशासनिक आधार पे मुरादाबाद से बिजनौर जेल ट्रांसफर किए गए थे और कल पेशी के ऊपर जैसा कि आए थे और उसके बाद ये फरार हुए। प्रथम दृष्टिया इसमें जो सिपाही इनको दो लेके आए थे उनकी संलिप्तता पाते हुए उनको निलंबित किया गया है और साथ ही साथ उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में उनको अभी भेजने हेतु माननीय न्यायालय के अंदर रिमांड हेतु उपस्थित किया गया है। नंबर टू, इसके अंदर ये भी चीज प्रकाश में आई है कि जो दो सिपाही कल इनको लेके आए हैं ये पूर्व में भी इस फहीम को लेकर यहाँ पर आए हैं और इसके अंदर स्पष्ट रूप से निर्देश है कि जो शातिर अपराधी इस तरीके के हैं उनकी ड्यूटी बदली करके आएगी, लेकिन ये नहीं हुआ है। इसमें जो संबंधित ड्यूटी मुंशी पुलिस लाइन बिजनौर के हैं इनको भी निलंबित किया गया है। साथ ही साथ इस प्रकरण के अंदर FIR के साथ में जो प्रारंभिक जांच है वो मुरादाबाद जनपद से कराई जा रही है, जिसके अंदर ये भी लैप्स देखा जाएगा कि इन दो सिपाही और ड्यूटी मुंशी के अलावा क्या क्या प्रशासनिक लैप्स इसके अंदर हुए हैं जिससे इस कारण घटना हुई है, और यदि इसके अंदर और ये सब चीजों के अलावा भी कोई प्रकाश में आता है जिसका कनाइवेंस था तो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ इसके अंदर ये भी है इन सिपाहियों के खिलाफ जो हमारी विभागीय प्रक्रिया है वो अति शीघ्र हम पूरी करें और दोषी पाए जाने के ऊपर इनके ऊपर बर्खास्तगी भी कार्रवाई की जाएगी। जी, इस संदर्भ में दो चीजें अवगत करानी। सबसे पहले तो अभियोग इसके अंदर पंजीकृत कराया गया है, जिसके अंदर ये भी प्रकाश में आया है कि इनकी वाइफ जो कहीं के साथ गई है उसके ऊपर भी अभियोग पंजीकृत है। जो अभी तक प्रथम दृष्टिया एनालिसिस करने से ये प्रतीत होता है कि ये पूर्व से पूर्व में जिस ढंग से एक साजिश के तहत यहाँ से गए थे और उनका पूरा जो घटना थी इस तरह की प्लान थी, और इसलिए उद्योग के अंदर ये चीजें भी विवेचना के अंदर है कि इसके अंदर और उनका क्या मोडस ऑपरेंडी रहा है, उनके कौन कौन साथी रहे हैं, और इनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था कल। और साथ ही साथ इसके अंदर इलाहाबाद और बिजनौर दोनों जगह से लगाई गई है। आज मेरे द्वारा भी अभी इसके अंदर जो टीमें हैं और जो साथ में हमारे और भी पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ में संदर्भ में भी मीटिंग की जाएगी ताकि इसकी यथाशीघ्र गिरफ्तारी हो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।